हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए होली स्पेशल कुछ लेकर आई हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए भीगा हुआ साबूदाना। आप देख रहे हैं बिल्कुल दाना, एक एक दाना अलग है। तो इसके लिए जिस भी बर्तन से आप लीजिए, यहाँ पे इस कटोरी से एक कटोरी साबूदाना लिया हुआ है और बस इसी कटोरी से भर के पानी डालना है और 4 घंटा कम से कम भिगाना है आपको। एक बार भिगाते वक्त आप ऐसे मिला दीजिएगा चम्मच से और फिर इसे छोड़ देना। बहुत अच्छे से फूल के इस तरह से दाना दाना बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग दाना हो जाना चाहिए। और भीगने के बाद जब आप इसे ऐसे दबाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह का दाना होना चाहिए, अंदर से कड़ा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से ये स्टीम होगा, इसे हमें स्टीम करना है। और यहाँ पे लूंगी मैं थोड़ा सा चीनी, और आप चाहें तो खोआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर भी एक अंदाज से ही डालेंगे। एक कटोरी में मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ। और खोआ लेंगे तो इस कटोरी से आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, और थोड़ा इलायची का पाउडर इस तरीके से, और डाल देना थोड़ा सा मिल्क डाल करके इसे हमें मिला देना ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मिल जाए। और इसे हमें स्टीम करना, तो पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और स्टीम करने के लिए पानी, तो इस तरह से एक भगोना में पानी लेना है। इसे मैं गैस पे रख दूंगी और इसके बाद एक इस तरह का जाली रख करके और इस बर्तन में थोड़ा सा घी लगाते हैं और इस तरीके से इसके ऊपर रख करके हमें स्टीम कर लेना। इसे अच्छे से मैं फैला करके अब मैं ये यहाँ स्टीम करने के लिए से रख दूंगी, ऊपर से थाली से ढक दूंगी। और उसी बैटर से यहाँ पे हम दूसरा एक रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा, और मैदे में इस तरह से हमें मोइन डालना है जो कि बन जाए, क्योंकि कम मोइन डालेंगे तो खास्ता नहीं होगा। और इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं और इस तरह से बराबर बराबर हमें लोई बना लेना है, और फिर इस तरीके से पूड़ियाँ निकाल लेंगी। बहुत मोटा भी नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं करना है, बिल्कुल एक बराबर करना है हमें। और एक लोई जब हम एक साइज में करेंगे तो पूड़ियाँ भी एक साइज में बन जाएंगी। और पहले मैं पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। जब ये स्टीम हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप देखें बिल्कुल आराम से निकल जाता है। तो हमें इसे और ठंडा होने देना है। अगर आपके घर पे फ्रिज है तो फ्रिज में रख दीजिए, बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें और इसमें कितना फर्क है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये वाइट कलर का है। तो पकने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा और दाना भी आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है। तो इसे हमें इस तरीके से पकाना है। लगभग 15 मिनट लगा है इसे पकाने के लिए। जैसे पूरी के ऊपर में हमें इसे रखना है, और अगर आपके पास गुजिया बनाने का मशीन हो तो उसमें ही बना सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा पानी लगाना है। पानी लगाने से क्या होता है, अच्छे से चिपक जाता है। और हाथों से अगर गूंदना आता हो तो हाथों से ही बना लीजिए, क्योंकि हाथ वाला भी बहुत सुंदर दिखता है। इस तरह से हमें दबाना है ऐसे, और हाथों से कुछ नहीं करना रहता, बस ऐसे छोटा छोटा बस एक मोड़ बनाते जाना है इस तरीके से। इस तरह से आप मोड़ बनाते जाइए, पकड़ते जाइए और एक मोड़ बनाते जाइए, तो वो सुंदर गुजिया तैयार हो जाता है। ये लीजिए। तो इसी तरीके से हमें और बाकी को भी भर लेना है। और जैसे गुजिया को हम तलते हैं बस उसी तरीके से, यहाँ तेल गर्म हो चुका है और धीरे धीरे डाल करके इसे हमें तल लेना है। और इस तरह से पूरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमें इसे निकाल लेना है।
और अगर आप इसे चाशनी में लगाना चाहते हैं, यानी चाशनी डुबोकर डुबोना चाहते हैं चाशनी में, तो चलिए इसे चाशनी में भी डुबो देते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से बुलबुला आना चाहिए। और दूसरा पहचान ही साइड में बिल्कुल कोट हो जाना चाहिए। और जब आप इस तरह से गिराएं तो जो लास्ट ड्रॉप है वो धीरे धीरे गिरेगा, और या फिर इस तरह से हाथों पे लेकर के जब आप करेंगे तो चिपचिपा सा हल्का सा लगेगा। बस इतना ही, इसी तरह का चाशनी चाहिए। और अभी मैं गैस को कर दे रही हूँ बंद, और इस भुजिया को डाल करके हमें मिला लेना है और फिर तुरंत निकाल देना है। चाशनी का वीडियो मैं फिर से अपलोड कर दूंगी अच्छे से, इस तरह से चाशनी में कहाँ कितना पानी डालना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस तरीके से इसे अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर छोड़ेंगे तो नरम हो जाएगा, कुरकुरा भी रहना चाहिए। और इसे अभी हमें क्या करना है कि जिस भी कटोरी या बर्तन से आपको कट करना है या फिर कटिंग करने का आपके पास है तो कर सकते हैं। से इस तरीके से जितना भी साइज में आप चाहें तो निकाल लें। अभी बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए, या कोई अगर डिजाइन वाला कटिंग है तो उससे निकाल लें और इसे हमें सर्व कर लेना। यहाँ पे चाहिए हमें रबड़ी। ये रबड़ी तैयार किया हुआ है, दूध का है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला करके इसे गाढ़ा कर दिया गया है अच्छे से, दूध सुखा करके और इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला दिया गया। ड्राई फ्रूट्स को पाउडर कर दी हूँ, तो इसका भी अलग से मैं वीडियो डाल दूंगी। और इस तरीके से आप चाहें तो नारियल का बुरादा डाल दें। तो ये हो गया साबूदाना रबड़ी। और आप चाहें अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो बड़ा बर्तन में यानी बड़े थाली में, या फिर सबसे अच्छा है इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो ये हमारी साबूदाना रबड़ी तैयार हो गई। थोड़ा इस तरह से नारियल का बुरादा या और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और आप जैसा चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें। और इस तरह से साबूदाने का रबड़ी और साबूदाने का गुजिया टेस्ट भी बहुत बेहतर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब चाशनी इतनी बढ़िया से कोट हो गया है तो साथ में आप देख रहे हैं ये खास्ता भी, ऊपर से खास्ता है और नीचे से नरम है, तो टेस्ट बहुत बढ़िया है। अंदर भी आपने देखा कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और मिल्क पाउडर मिलाया गया है। आप खोआ डालेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो ये हमारे घर में तो बच्चों ने बहुत पसंद किया है, और इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस होली पे इसे सोचा कि चलो सबके साथ शेयर करते हैं। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और अपने पूरे परिवार के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साबूदाना जिनको पसंद है उनको तो वाकई में बहुत पसंद आएगा ये। तो इस तरीके से अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।